रिवाइज्ड जीएसटी ऑन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। हाँ जी दोस्तों, मैं आज के सेशन में आपको जो नया जीएसटी आया हुआ है, 45th मीटिंग जीएसटी काउंसिल की, जो कि 17 सितंबर 2021 को की गई है, तो उसके अंतर्गत सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में जीएसटी को अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ जी, मेरे पास काफी मेरे स्टूडेंट्स के कॉल आए, काफी सोलर इंडस्ट्री के लोगों के कॉल आए कि सर अब हमें बिलिंग कैसे करना है, और ये जीएसटी का जो 5% to 12% हाइक हुआ है, इससे क्या क्या फर्क होगा। हाँ जी दोस्तों, काफी कुछ फर्क होने जा रहा है। पहली चीज, आप लोग पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए। ये जो जीएसटी के रेट हैं, जो जीएसटी 5% to 12% हुआ गया है, ये एकदम तुरंत, ऐसा कोई नोटबंदी जैसा नहीं है कि आज ही आपको रिवाइज हो गया है। ये हमारा 1 अक्टूबर से ये चीज वैलिड रहेगी, 1 अक्टूबर 2021 से ये चीज वैलिड रहेगी। एंड आप लोग को बिल्कुल जीएसटी की, जब भी आप कस्टमर को बिलिंग करते हैं, तो आपको काफी कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज से पहले की बात करूं तो जब जीएसटी नहीं था, तब सोलर पे कोई भी टैक्स नहीं था। सोलर इज टैक्स फ्री। सोलर बैटरी लीजिए, सोलर कोई भी कंपोनेंट्स लीजिए, अगर आपके इनवॉइस में सोलर लिखा हुआ है तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे जीएसटी आया तो हमारे सोलर में टैक्सेस चालू हो गए, एंड अब ये टैक्स और भी बढ़ चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, जो 5% का हमारा सोलर मॉड्यूल्स और इन्वर्टर पे हम 5% जीएसटी पे करते थे, अब उसको 5% की जगह 12% का जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पूरा ये डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे आपको आने वाले टाइम पे अपनी इनवॉइसिंग क्रिएट करना है, बिलिंग क्रिएट करना है, कैसे आपको क्रिएट करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद इंदुरख्या आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एंड अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपके पास सोलर इंडस्ट्री की टाइमली मिलती रहे। एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि कभी हमारे वीडियोस आते हैं तो उसकी आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। जब लास्ट टाइम जीएसटी आया था कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं और सोलर इन्वर्टर हैं, उस पे आपकी 5% की जीएसटी लगेगी। बाकी काफी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये जीएसटी जो 5% से 12% हुआ है, वो किन किन कंपोनेंट्स में हुआ है, सोलर स्ट्रक्चर में हुआ है कि केबल्स में हुआ है। कि मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, सोलर में जो मेजरली है, जो वो सोलर मॉड्यूल्स हैं और सोलर इन्वर्टर है, उसपे हम 5% की बिलिंग पे ही हमारे पास मटेरियल हम परचेज करते थे। तो जिन जिन कंपोनेंट्स की 5% पे बिलिंग होती है, उसको रिवाइज करके 12% पे कर दिया गया है। अब आप वो जो स्ट्रक्चर है, हम लोग सोलर इंडस्ट्री के हैं इसलिए हम उसको सोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, बट वो स्ट्रक्चर लोहे का है, तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी 18% की बिलिंग पे है। MC4 कनेक्टर्स हो गए, केबलिंग्स हो गई, ये सारी चीजें, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स, लाइटनिंग अरेस्टर, ये ऑलरेडी 18% की जीएसटी के स्लैब में आते हैं। तो जो इक्विपमेंट्स जो आपकी 5% की बिलिंग में आते थे, वो अब से 12% की बिलिंग में आएंगे फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 तारीख से। जो जो आपके कंपोनेंट्स आप परचेज करोगे या आप आगे बिल करोगे, इनवॉइसिंग करोगे, तो आपको अब जीएसटी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपने अगर 5% पे परचेज किया है, अब आगे आपको सेल करना पड़ेगा 12% की बिलिंग पे। फ्यूचर आपको 12% पे ही रहेगा। तो आज मैं आपको पूरा डेप्थ में बताने जा रहा हूँ, एक केस स्टडी भी लूंगा कि पहले आप बिलिंग कैसे करते थे और अब नए जीएसटी के फॉर्मेट में आपको इनवॉइसिंग भी कैसे करनी है। मेरा एक रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि अगर आप अपने कस्टमर को प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताते हो, वैसे भी सोलर इंडस्ट्री में मार्जिन काफी कम हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को प्रोजेक्ट कॉस्ट बताते हो, सपोज आप 3 किलोवाट की प्रोजेक्ट की कॉस्ट बता रहे हो, 1,50,000 रुपीज प्लस जीएसटी, तो आप उसमें जीएसटी आपने मेंशन, अभी हम अपने प्रपोजल में मेंशन करते थे कि इतना इतना अमाउंट का 8.9% आप करते थे, 8.9% कैसे आया, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 70% पे हम 5% की बिलिंग करते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% पे हम 18% की बिलिंग करते हैं, तो एवरेज आप देखेंगे तो 8.9% का हमारा जीएसटी आता है। लेकिन मैंने काफी अभी भी प्रपोजल्स में देखा है, बिल इनवॉइसेस देखे हैं, कि काफी लोग अभी भी 5% की बिलिंग पे करते हैं पूरा सोलर पावर प्लांट, जो कि गलत है। ऐसा आपको बिल्कुल भी बिलिंग नहीं करना, आपको सेपरेटली दो स्लैब में बिलिंग करना है, 70% और 30%। ऑल राइट, तो ये जो हमारा स्लैबिंग रहेगा, जो 70% का, अब वो 12% पे, जो 5% पहले था, अब वो 12% की हमें उस पे बिलिंग करनी पड़ेगी। तो पूरा मैं केस स्टडी ले रहा हूँ आपके सामने, एंड अब से आप रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी अपने कस्टमर को आप जो प्राइसिंग देते हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन करें कि आपका प्लस जीएसटी रहेगा, वरना वो अमाउंट आपको अपने पास से एडजस्ट करना पड़ेगा।
ओके, तो मैं अब आपको वो मैं बता शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ, और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, 45th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल लखनऊ में 17 सितंबर 2021 को की गई है। तो मेन मैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी अगर आप और कोई भी इंडस्ट्री के हैं तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं किस पे क्या क्या जीएसटी हाइक हुआ है। सबसे पहली चीज हम अपने चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, 6th पॉइंट पे आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड पार्ट्स जिसकी बिलिंग 5% पे होती थी जीएसटी, अब वो 12% पे हो गई है। तो जो जो कंपोनेंट्स 5% पे आते थे अब वो 12% की जीएसटी के स्लैब में आएंगे। मैं अब आपके साथ एक केस स्टडी भी शेयर करूंगा कि उसमें हम कैसे देखेंगे कि ये जो जीएसटी की बिलिंग हो रही है वो कैसे, अब आपका जीएसटी कितना परसेंट बढ़ गया है और कितना आपको फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, इसको आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट से भी लिंक कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, तो पहले के टाइम पे हम बिलिंग कैसे करते थे, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके 70% पे, 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट पे हम 5% का जीएसटी लेते थे, राइट। तो मतलब 70,000 रुपए, 1 लाख का 70%, मतलब 70,000 रुपए पे 5% जीएसटी लगेगा, मतलब 3,500 रुपए का मैं यहाँ पे जीएसटी पे करूंगा। हमारा मानना ये रहता है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट रहता है उसका 70% अमाउंट हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स और इन्वर्टर के रहते हैं, इसलिए उस पर 5% की जीएसटी रहती है, राइट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरा स्लैबिंग होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% पे 18% का जीएसटी हम पे करेंगे, मतलब 30,000 रुपए पे 18% जीएसटी, मतलब 5,400 रुपए का हमें जीएसटी पे करना है। तो दोनों जीएसटी को मैं ऐड करता हूँ, 3,500 और 5,400, मतलब 8,900 रुपीज का मैं जीएसटी अमाउंट पे करूंगा। तो मेरा जो हुआ प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख प्लस 8,900 रुपीज का मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी हुआ। तो इसको ही हम बोलते थे 8.9% का हम जीएसटी यहाँ पे कर रहे हैं। बट अब आपको सेकेंड केस जो रिवाइज हो चुका है, अब आपको बिलिंग कैसे करनी है, अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी, तो 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अब आपकी 12% पे आपकी बिलिंग होगी, जो आपका 5% था अब वो 12% हो जाएगा। तो मतलब 70,000 पे अब आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब 8,400 रुपए का आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और बाकी चीजें 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट पे 18% जीएसटी, मतलब 30,000 रुपए पे 18% जीएसटी, मतलब 5,400 रुपए का आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब आपका अब जीएसटी अमाउंट 13,800 रुपीज हो गया है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं पहले से और अब में, आपको डिफरेंस मतलब 4,900 रुपए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी पे। मतलब डायरेक्टली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी भी कोई भी कोटेशन दिया हुआ है, अगर आपने बोला है कि सर 1,09,000 इंक्लूडिंग जीएसटी या 1,10,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब पहले जो आप प्रॉफिट रखते थे अब आपको यहाँ पे जीएसटी में शो करना पड़ेगा, मतलब अब आपको बिलिंग थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को काफी जो भी सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी अपडेट मिल पाए। मिलते हैं सोलर की और भी इन्फॉर्मेशन के साथ, एंजॉय करें द सोलर एनर्जी। जय हिंद, जय भारत।